नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि आज जो 13 मार्च का पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। बच्चे से जितने क्वेश्चन पता चले हैं आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि एग्जाम का एनालिसिस किया है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सेंटर पर क्या हो रहा है, सारा मैंने बताया है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सारा डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके जीएस का क्या लेवल है वो एक्सप्लेन कर दिया। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिए, उसमें हमने पूरी स्टडी करवा रखी है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं 13 मार्च पेपर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस एंड क्वेश्चन आंसर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं, पहले तो उसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये क्वेश्चन शेयर करने का थोड़ा सा कष्ट किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है? तो आपको करना है भरतनाट्यम। लेकिन अभी आपसे तमिलनाडु का पूछा जा सकता है त्यौहार, तो आपको याद है ना पोंगल और जल्लीकट्टू, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका आंसर जैसा हमें इंटरनेट से मिला वैसा हमने प्रोवाइड करवा दिया है। हालांकि इसका आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। अब देखिए, ये क्वेश्चन बच्चे ने बताया है कि सेबी की स्थापना किस दिवस हुई। तो मैं आपको सेबी के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ जिससे आपके लिए बेनिफिट रहे। पहले तो सेबी की आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। सेबी की स्थापना पूछी गई थी तो आपको याद कर लेनी है 12 अप्रैल 12/4 यानी कि अप्रैल 1988। बच्चे ने कहा था कि ऑप्शन में आया था 1982 86 87 88, तो आपको 88 ध्यान रखना था। हालांकि पूरी डेट याद कर लीजिए। अब ऑप्शन क्या था वो मुझे नहीं पता है, न आपको पता है, क्योंकि हम दोनों ही एग्जाम देने नहीं गए थे। आप जाने वाले हैं और मैं पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ। आपके भी जो क्वेश्चन आए तो एग्जाम के बाद ज़रूर बता दीजिए, हमारा सहयोग हो जाता है, बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं। आरबीआई की स्थापना, देखिए क्वेश्चन बताने में फ़ायदा क्या है, आगे जब भी सेप्टम 11 वैकेंसी आएगी तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, आप देख पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एग्जाम को फोड़ने के लिए एक रणनीति साबित कर सकती है, आपके लिए बहुत सहयोग करते हैं। आरबीआई की स्थापना पूछी गई, सेबी और आरबीआई की स्थापना पूछी गई थी तो आप याद कर लीजिए 1 अप्रैल 1935 थी इसकी स्थापना, ये भी आपको याद कर लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होती है। प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है और आई होप आप रोज़ मेरी क्लास अटेंड करते हैं, सबका सही हुआ होगा। कल परसों की क्लास में मैंने करवाया था 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो याद होगा आप सभी को। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था। जीके जीएस के बच्चे ने बताया कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं सर, और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है उसमें साइंस के क्वेश्चन भी है। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू सकते हैं या छुआ जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये इसके दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, यानी कि माउस मॉनिटर ये जो भी होते हैं ये हार्डवेयर के आते हैं, मदरबोर्ड और जिसको हम छू सकते हैं सीपीयू टाइप के। लेकिन एक होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, हालांकि देख सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को रन करवाने में सहयोग करते हैं। आप सभी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जो IIT मद्रास में बनाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मुझे पता ही नहीं था कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं क्या, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कौन सा है जो भारत के IIT मद्रास में बना है। तो देखिए, इसके ऑप्शन बच्चे ने बताए और ये ऑप्शन था भारत ओ एस, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन में आपको ऐसे भी लिख सकता है भारत ओ एस भी लिखा जा सकता है, या फिर भारत ओ एस या फिर भार ओ एस, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसका मतलब है भारत ओ एस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ये बनाया किसने है, तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई, ये आपको नाम याद रखना है, जेंडकॉप्स का मतलब है यहाँ आपके हैं ऑपरेशन इस प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, ये आपको याद कर लेना है, मैंने आपको डिटेल दे दी है। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, साइंस का क्वेश्चन जीके जीएस में आ रहा है, देखिए जनरल अवेयरनेस,
हर बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं, आज क्या हो रहा है अखबार में वो पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके आता है, इसके अंदर करंट अफेयर्स आता है, इसमें आपके जनरल साइंस आती है, और इसके अंदर आपके जनरल साइंस आती है, इसका मतलब कंप्यूटर वाले हिस्से भी आ जाते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे यूट्यूब पर आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, मैं करंट अफेयर्स नहीं करवा रहा क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स शामिल नहीं होता। करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे जनरल अवेयरनेस में ही रखा जाता है, तो आपको अलग से करंट अफेयर्स रटने की जरूरत नहीं है कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ, नहीं, आप दो तीन दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वही काफ़ी होते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो आपको पता है दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेल का, ये सभी को याद होगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन आया था, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, याद कर लीजिए। यानी कि क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, हर कोई इसे कर सकता है। अब देखिए इन दो क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, एक बच्चे ने बताया कि सर आया था अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है पाणिनि। लेकिन एक बच्चे ने बताया कि सर क्वेश्चन आया था संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, इसका भी आंसर है पाणिनि। तो दो क्वेश्चन एक ही लेखक से संबंधित कैसे आ सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन दो बच्चों ने बताए हैं तो मैंने आपके सामने दोनों क्वेश्चन रख दिए। हो सकता है आपके एग्जाम में दोनों में से आ जाए, तो आपको याद कर लेना है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि और संस्कृत व्याकरण के जनक भी है पाणिनि, दोनों याद कर लीजिए। अब देखिए बच्चे ने क्वेश्चन बताया कि लोहे से जंग लगने से बचाने का उपाय बताइए, तो उसे पेंट करना चाहिए, कलर करके रखना चाहिए, या फिर केरोसिन तेल होता है वो उस पर लगाना चाहिए, उसमें डाल कर रखें, या फिर ये तरीके होते हैं जिसे हम लोहे से जंग लगाने के लिए बचा सकते हैं। अब देखिए लोहे से जंग लगने के कारण भी पूछ सकता है आपसे वो, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का विजेता राज्य कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, और मैंने भी कल वाली क्लास में जिसमें 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे उसमें करंट के दो तीन क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था शामिल, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का विजेता कौन है, तो इसका विजेता बना है महाराष्ट्र राज्य। कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज है, वो आपको बताने कमेंट बॉक्स में। अब देखिए ये आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया कि करंट का मात्रक कौन है, तो करंट का मात्रक सबको याद है ना, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इसे आई से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और एम्पियर में इसे मापते हैं या इसकी यूनिट इसका मात्रक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करवाया है, तो ये क्वेश्चन इसका क्रेडिट मुझे आप देंगे ना, कल वाली क्लास में ही करवाया तो आपने सही किया होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 51A। अब कैसे जोड़ा गया और सारी डिटेल जनरल अवेयरनेस मॉडल पेपर को देख लीजिए, कल का ही वीडियो यार जरूर अटेंड करें, 30 मिनट की मेरी मेहनत है, आप उसे लाइक करके उसे थोड़ा सा फल दीजिए क्योंकि मेहनत का फल मिलना होता है। ये 14 क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, बच्चों ने मुझे शेयर किए थे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और शेयर जरूर कर देंगे, इतना ही हमें चाहिए, बस एक लाइक एक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी DRDO प्लेलिस्ट देख लीजिए मॉक टेस्ट देने के लिए। यानी कि आज तो मैंने वीडियो बना दिया है, अब मेरे पास टाइम नहीं होता, यानी कि मेरे पास दिन में एक ही टाइम होता है क्लास लगाने के लिए, मैं उस टाइम ही क्लास लगाता हूँ, फिर पूरे दिन मुझे काम करना होता है, इसलिए मैं आपको कहूँगा जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं वेबसाइट पर अपलोड करूँगा, और वेबसाइट का लिंक दे रखा है मॉक टेस्ट आप देना है। जैसे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे बच्चे हमें क्वेश्चन बताएंगे, मैं टाइप करके उस वेबसाइट पर रख दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक।